मैं हूं बिभा, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक ही होंगे, मैं भी ठीक ठाक ही हूं। तो आप लोग वीडियो का टाइटल देख के समझ ही चुके हैं आज मैं क्या टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रही हूं। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी मेरा ड्राइंग रूम। तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा मेरा ड्राइंग रूम आप लोग को कैसा लगा। तो आइए देख लेते हैं हमारा ड्राइंग रूम। हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे है ये बुद्धा जी का फाउंटेन। ये जो बुद्धा जी का फाउंटेन है, मैंने एक वीडियो बुद्धा जी के फाउंटेन के ऊपर बनाया हुआ है, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके ये देख सकते हैं। हमने ऊपर ये फोकस लाइट दिया है बुद्धा जी के ऊपर। ये है पार्टीशन। इस पार्टीशन के बैक साइड में हमारा एंट्रेंस है और बेडरूम्स है, इसलिए हमने ये पार्टीशन बनाया है। यहाँ पे हमने ये दरवाज़ा लगाया है। पहले हमने डिसाइड किया कि हम ये दरवाज़ा नहीं लगाएंगे, बाद में हमने डिसाइड किया कि हम दरवाज़ा लगा लेते हैं। हमने यहाँ पे हाफ पोर्शन ग्लास लगाया है और हाफ पोर्शन हमने माइका लगाया है। और दरवाज़ा लगाने से इसका जो लुक है और ज्यादा अच्छा हो गया है। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शो पीस यहाँ पे रखा है। अभी शो पीस रख के कंप्लीट नहीं हुआ है, जब मुझे कुछ अच्छा मिलेगा तब ये सारा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं दिखाऊंगी मैंने फिलहाल क्या क्या शो पीस रखा है। इस शो पीस का बहुत ही एक अच्छा मीनिंग है हमारी लाइफ में, मतलब सभी की लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं। हम उस ऑब्स्टेकल को पार करके कैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं और हमारा जो ड्रीम्स है वो हम कैसे अचीव करते हैं, वही ये शो पीस का मीनिंग है। बहुत एक अच्छा मीनिंग है, इसलिए मेरे हस्बैंड ने ये शो पीस रखा है। और ये फैमिली शो पीस है, ये हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगा इसलिए हमने ये खरीदा है। और यहाँ पे ये है स्केलेटन, ये बहुत फनी सा एक शो पीस है, गाना गा रहा है। और यहाँ पे हमने रखा है ये एलिफेंट। आप लोग देख सकते हैं हमने ऊपर ये फेंगशुई हर्ष रखा है। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ।
ये आप लोग देख सकते हैं, हमने ये फेंगशुई हॉर्स रखा है। अभी के लिए हमने ये रखा है, बाद में जब कुछ अच्छा मिलेगा तब हम रखेंगे। मतलब हॉर्स को भी रखेंगे, थोड़ा मतलब एडजस्ट करके रखेंगे, थोड़ा प्लेस को सेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या रखा है, यहाँ पे रखा है ये बुद्धा जी का स्टैचू, और हमने यहाँ पे रखा है ये लाफिंग बुद्धा जी। आप लोग सभी जानते ही होंगे, लाफिंग बुद्धा जी रखने से एक पॉजिटिव एनर्जी आता है घर में, इसलिए हमने रखा है। और जो बुद्धा जी का स्टैचू है वो रखने से घर में शांति आता है। तो आप लोग शायद सभी जानते ही होंगे बुद्धा जी स्टैचू क्यों रखते हैं घर में। और इसके ऊपर हमने ये रखा है, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, ये शंख हमने रखा है। और इसके ऊपर रखा है हमने ये लायन। लायन हम इसलिए रखा है, लायन रखने से एक एनर्जी मिलता है, तो इसलिए हमने लायन रखा है। और यहाँ पे ये सब खाली है, जब कुछ अच्छा मिलेगा तब हम रखेंगे। और यहाँ पे हमने रखा है ये लव बर्ड। तो ये है हमारा पार्टीशन। दरवाजे की बैक साइड पे हमारा किचन है। और इस वॉल पे हमने टाइल्स लगाया है। कॉर्नर पे हमने ये आर्टिफिशियल प्लांट रखा है। इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक हमने प्लाई और माइका लेके बनवाया है। ये ओनली डिजाइन नहीं है, इसका एक एडवांटेज भी है। मैं आप लोग को दिखाऊंगी क्या एडवांटेज है। इधर से लेके उधर तक हमने सारा ड्रॉअर बनाया है, मैं एक खोल के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमने सारा यहाँ पे ड्रॉअर बना के रखा है। ये सब जो देख रहे हैं सब ड्रॉअर है। ये है हमारा पार्टीशन, ये डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम का पार्टीशन है। तो यहाँ हमने लगाया है झूमर, मुझे बहुत पसंद है झूमर, इसलिए हमने लगाया है। और इसका कलर भी चेंज होता है, मैं दिखाऊंगी इसका कौन क्या क्या कलर है। नेक्स्ट ये, और ये तीसरा। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यार सा झूमर है।
यहाँ पे हमने रखा है ये योद्धा सोपिस और यहाँ पे भी रखा है एक योद्धा। इस कॉर्नर पे हमने रखा है ये सोफा, ये मेरे हस्बैंड ने लाया है, इनको इस टाइप का सोफा बहुत पसंद है इसलिए ये खरीदा है और बहुत सुंदर भी है ये तो, और थोड़ा यूनिक लुक दे रहा है ड्राइंग रूम में इसलिए अच्छा भी लग रहा है। और ये हमारा जो विंडो है हमने कार्टन जो पुराने वाला जो कार्टन है वो हमने हटा दिया है, नया ऑर्डर किया है, कल यह प्रोसेसर आ जाएगा इसलिए हमने पुराने वाला हटा दिया है, जब नया आएगा तब लगा लेंगे। आज के लिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा जो वीडियो है उसे भी शेयर कर दीजिएगा और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर मैसेज भी कीजिएगा मेरा ये ड्राइंग रूम आप लोग को कैसा लगा। तो आज के लिए नमस्ते।